ऐसा भी होता है कि पनीर बर्गर में सिर्फ पनीर डाल के दे दिया हो। हम आ गए हैं मध्य प्रदेश खजुराहो में। हमारे जैसे तो पॉसिबल ही नहीं है। मोमोस अच्छा है, यहाँ बताएं। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए हम निकल पड़ते हैं बनारस से खजुराहो की तरफ। तो मौसम खराब होने के कारण हम रुक जाते हैं मचान रेस्टोरेंट में, जो कि हमारे रास्ते में ही पड़ता है। तो ये है मचान रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने मैगी और बर्गर का खाया था। मैगी खा के देखते हैं। मैगी का टेस्ट बढ़िया है, बर्गर खा के देखते हैं। पनीर बर्गर में सिर्फ पनीर है और बन लगा के ग्रिल कर दिया। कितने में टिक्की भी आती है, उसके बाद पनीर आता है। ऐसा भी होता है कि पनीर बर्गर में सिर्फ पनीर डाल के दे दिया हो मचान रेस्टोरेंट, गदर मचा दिया है। तो पत्ता गोभी वाली मैगी और बर्गर में दबाए हुए पनीर को खाने के बाद अब चलते हैं खजुराहो की तरफ। सो हे गाइस, हम आ गए हैं मध्य प्रदेश खजुराहो में, और खजुराहो में अभी हम जाने वाले हैं मातंगनेश्वर मंदिर में, जो कि महादेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ से हम मातंगनेश्वर मंदिर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेट्स गो। तो मंदिर पहुंचने से पहले हमें इतनी भूख लगती है कि हम सीधा गाड़ी लगाकर आ जाते हैं थोड़ा खाना खाने के लिए। तो थोड़ा बहुत खाकर हम निकल पड़ते हैं मार्केट के रास्ते से मंदिर की तरफ। तो यहां आकर हम फ्रिज मैग्नेट्स लेते हैं, और यहां पर हमें बहुत ही अतरंगी चीज देखने को मिलती है। ये सब क्या है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, ये क्या था, ये चाबी का छल्ले, ये मैं किसको दूंगा, ये मैं अगर अपनी गाड़ी में भी लगाऊंगा तो ये बजता रहेगा। ये था क्या, तीन बंदे लगे हैं वैलेंटाइन गिफ्ट में किसको दे। भैया इतना ओपन माइंड है, नीचू के लिए खरीद लेते हैं। अरे भाभी शादी हुई है उसकी, भाई मंदिर जा रहे हैं, क्या देखने को पड़ रहा है ये। हम तो फ्रिज मैग्नेट लेने, अन्नु तेरी वजह से हुआ अन्नु, ये सब अपनी बहन की वजह से मैं ये सब लेने रुका था, और खजुराहो का अलग ही नज़ारा आ गया। चलो भाई मंदिर चलते हैं, लेट्स गो। तो वैसे तो खजुराहो अपने आर्किटेक्चरल सिंबोलिज्म और एरोटिक स्कल्पचर के लिए माना जाता है, मगर यहाँ पर एक महादेव जी का प्राचीन मंदिर है मातंगनेश्वर मंदिर, जो कि 920वीं सदी में चंदेला के राजा हर्षवर्मन ने बनवाया था। तो ये विशाल शिवलिंग 9 फीट जमीन के नीचे और 9 फीट जमीन के ऊपर है, और मंदिर के पुजारियों का यह कहना है कि हर साल कार्तिक के महीने की शरद पूर्णिमा वाले दिन इस शिवलिंग का आकार एक चावल के दाने जितना बढ़ जाता था, और इसलिए इस शिवलिंग को बढ़ने से रोकने के लिए चारों तरफ कील लगाई गई है। तो यहाँ दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम निकल जाते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो अपनी अगली मंजिल तक पहुंचने से पहले हम आ जाते हैं ओरछा में। तो ओरछा में पुलिस की बैरिकेडिंग का सामना करते हुए हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी दुकान पे जिसका स्वाद ओरछा में बहुत मशहूर है। ये घर पे झूठ बोलती थी, बाहर का पसंद नहीं है, भर भर के खा रही है बाहर का, भर भर के खा रही है बाहर का, ये नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल भी खा ले। हमारा
हमारे अलावा दूसरा बनाती है पूरे ओरछा में कोई नहीं बनाता है। आपके जैसे ही नहीं बनाता है, बनाता ही नहीं? नहीं, हमारे जैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, पर वैसे भी नहीं बनाता है। बनाता ही नहीं भाई, यहाँ पे किसी पे रेसिपी ही नहीं है कि वो तंदूरी मोमोज बना पाए। रेसिपी नहीं है, मन नहीं है, पता नहीं, मगर यहाँ कोई और नहीं बनाता, बस ये भाई बनाते हैं। बाकी आइटम देखते हैं कैसे हैं। तो भैया जिस आइटम की इतनी तारीफ कर रहे थे वो आइटम तो हमारे पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था, और इसीलिए हम अफगानी चाप और मलाई चाप रोल खाकर अपना काम चला लेते हैं। और फिर वहां से जब हम चाय पीने आते हैं तो चाय का स्वाद हमें कुछ ऐसा लगता है। चाय उठ के चले, पैक भी आगे सच में मोमोस और चाय यहाँ मत आए, यहाँ तो मत आए, बिल्कुल ही मत आए भाई। 20 रुपए दिए। चलो भाई आइसक्रीम आगे से खा लेंगे, इसके सामने पैकेंगे अच्छा भी नहीं लगेगा इसको। यहाँ ऐसे एक चाय नहीं पी जा रही और वहाँ लोग उठते घूम रहे हैं, मतलब तो कोई नहीं बना इस बात का। मगर यार मोहिता वैसे ना ऊंट पे तो सब घूम लेते हैं, उठनी बन जाऊं क्या मैं? तू गाय तो घूम, सींग पकड़ ले और जय महाकाल, मंदिर में घुस जा, देवी आ जाएगी। सच में कह रहा हूँ, लोग कहेंगे देवी आ गई। यार तुम तो चाय को ठिकाने लगा दे, कुत्ते को दे दे। यार डर तो किसी को लास्ट ठिकाने में लगाने में नहीं लगता होगा, वो बैठा कुत्ते को दे दे, मार के भगा देगा। चल आइसक्रीम खाते हैं वाड़ी लाल की। नमस्ते इंडिया की आइसक्रीम खाएंगे। नमस्ते इंडिया। इस बात पे जरूर बाहर निकाल देंगे तेरे को भाई साहब। तगड़ी वोटिंग होती है यहाँ पे, वैसे वैसे नहीं। तो थोड़ी देर रिवर साइड बैठने के बाद हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं और फिर आ जाते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। तो अपने सफर को नॉन स्टॉप बरकरार रखने के लिए हम निकल पड़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो हमारे इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, टेक केयर।